मैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट। आज मैं आपको गुर्दे फेल मरीजों के चंद आम सवाल जो हमसे अक्सर पूछे जाते हैं उनका जवाब दूंगा। जो पहला सबसे कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये है कि जब एक दफ़ा एक पेशेंट के या मरीज़ के गुर्दे ख़राब हो जाएँ तो वो क्या करे। तो उसके पास दो ऑप्शन ही होती हैं, या तो डायलिसिस करवा लें जिसको आम ज़बान में कहते हैं कि गुर्दे वाश करवा लें, दूसरी ऑप्शन होती है कि वो रीनल ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा तब्दील करवा लें। अब ये क्वेश्चन होता है कि जब गुर्दे तब्दील करवाने तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए बेहतरीन जो है वो हॉस्पिटल उमर हॉस्पिटल एंड कार्डिक सेंटर जोर टाउन लाहौर है, जिसमें गुर्दा तब्दीली की इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड की यानी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जी, एक कॉमन सवाल और जो हमसे पेशेंट अक्सर पूछते हैं वो ये कि मैं कितनी देर का ऑपरेशन होता है और रिकवरी में कितना टाइम लगता है। तो इसमें बता दूं, ये पेशेंट तकरीबन 3 से 4 घंटे का होता है और रिकवरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर खैरियत से करे तो 2 से 3 हफ्ते में पेशेंट फुली रिकवर होकर अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है।